नामांकन का आखिरी दिन है और आज 11 तारीख है। आज राज्यसभा सांसद इसराना विधानसभा से पर्चा दायर जो है करने जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पर्चा भरने से पहले की ये तस्वीरें मतरोडा अनाज मंडी से, जहां पर कृष्णलाल पवार मौके पर पहुंच चुके हैं, लोगों का अभिवादन जो है स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में वो पर्चा जो है भरेंगे और इसराना विधानसभा जो है उन्हें टिकट दी गई है। ये लाइव तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं। उनका क्या कहना है कि इस आपको मैं समझ आ गया, बातचीत करने की एक बार कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। पवार साहब बधाई हो आपको, पूरा आदर जमा रहे हो, इसके लिए देंगे आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसराना विधानसभा के सभी मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। हजारों की संख्या में आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए और नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए आए, इसलिए पूरे इसराना विधानसभा की जनता को मतदाताओं को मैं सर झुका के नमन करता हूँ। मनवीर वाल्मीकि ये कहते हैं कि वो जो विधायक रहे मंत्री रहे तब भी नहीं इसराने का विकास कार्य करवाएंगे, अब क्या करवाएंगे? इसलिए जो विधायक है वो 30 करोड़ का पहले साथ दे। मैंने अपने मंत्रिमंडल कार्यकाल में इसराना विधानसभा बहुत विकास के कराए हैं, हमने 125 ज़्यादा सड़कें बनवाई हैं, हमने इसराना को सब डिवीजन बनाया है, मतलोडा सब तहसील की उसको तहसील बनवाया, फिर अपग्रेड करके तहसील बनवाया, कॉलेज आई टी आई बी एच सी सी एच सी 2 दर्जन से ज़्यादा हमने विधानसभा में पावर हाउस बनवाने का काम किया। लोग कह रहे हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल जो है करता है, मतलब बलवीर वाल्मीकि रोने लग जाता है तब जाके पिछली बार इसके लिए पिछली बार उन्होंने झूठ बोली थी, उसकी 2 बेटियाँ हैं, 2 की बजाय 4 बताई और ग्लेशरीन हाथ लगा कर अंगुली अंगूठे में लगा करके आँख पे लगाता था, फर्जी आंसू बहाता था। अब की बार जनता उसे पूछेगी वो ग्लेशरीन कहाँ है, फर्जी आंसुओं का हिसाब किताब लेगी जनता, फर्जी आंसुओं का हिसाब किताब लेंगे, जनता तैयार बैठी है। 5 साल में हल्के में कोई काम नहीं उसने करवाया, इसलिए उसके लिए कोई काम नहीं कराया। जो मैं कोई काम करता था उसका बयान आता था कि ये मैंने अपने कोटे से कराया है, जब जनता के बीच में आता है तो उसको कहता है मेरे को सरकार ग्रांट नहीं देती, इसलिए दो मुई सांप है दोनों तरफ से काटता है, जैसे कहते हैं दो नाग होती दोनों तरफ से काटती है, तो दोनों तरफ की भाषा बोलता है। ये कितनी ग्रांट आती है 5 साल में विधायक की? 5 करोड़ तो 5 करोड़ इलाके में लगा दी पूरा इसराना विधानसभा, तो वो जवाब दे लगाई नहीं लगी, लेकिन मैंने पाई पाई का हिसाब किताब दिया, मैंने यहाँ तक भी शब्द बोल दिए। यदि कृष्ण कुमार ने जब मिनिस्टर रहा है या हमारे सीएम से ग्रांट आई है या किसी भी उससे ग्रांट लेकर आया हूँ, एक पैसा भी खाया हो, हिंदू धर्म में गऊ का मांस खाया हो, इससे ज़्यादा शब्द मेरे पास नहीं। ये 5 करोड़ में भी घोटाला भ्रष्टाचार हो सकता है आपकी नज़र में? इसके बिल्कुल निश्चित तौर से वो जवाबदेही वो है किस किस को दिया, श्वेत पत्र जारी करे, लेकिन आप नेट पर निकाल कर देखेंगे 5 करोड़ उसको मिले नहीं मिले। अच्छा, अरे इस बार क्या क्या फिर क्या वायदे हो रहे हैं, कर रहे हो वायदे पूरे जो करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, मैं निश्चित तौर से इसराना विधानसभा मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने पहले एक सेवक के रूप में सेवा की है, सेवक के रूप में सेवा करूँगा और जो इसराना विधानसभा के जो कुछ काम रुके हुए हैं उनको पहली प्रायोरिटी उनको करवाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे आज पवार साहब पर्चा भरने जा रहे हैं? आज पवार जी का नामांकन है और मेरे गांव से कम 25 गाड़ी आई है और 200 से 250 लोग आए हैं। मेरे गांव में पंचायत के एक भी इनकम नहीं थी जब मैं सरपंच था, और लेकिन पवार साहब ने गांव का स्कूल प्लस टू तक का करवाया, पूरे टीचर आए, गांव में 24 घंटे लाइट आई, पंचायत का ऑफिस ऐसा पूरे हरियाणा में नहीं है, हमारे गाँव में जिम भी है, जो जैसे शहर में जिम ऐसे पंचायत का जिम है, और अनेक ऐसे कार्य हमारे गाँव में ड्रेन पक्की हुई है, पवार साहब चौपाल बनवाई, सारी चौपाल है, SC चौपाल हमारे गाँव में नहीं थे रिजन वाल्मीकि, वो पवार साहब के राज में स्कूल प्लस टू तक का करवाया, पूरे टीचर है, इन जितना काम ना कभी सोच सकता ना कभी होता, और बलवीर वाल्मीकि ने पिछले 5 साल में ना कभी छोटापुर में आए, ना 1 रुपये ग्रांट लगी है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। कितने वोटर जीतवा दोगे इसराना हल्के से कम 25 या 30 हजार और छोटापुर से 2 से 2.5 हजार वोटों की लीड होगी, इस बार लोकसभा में भी 2.5 हजार वोटों की लीड थी हमारे यहाँ से। पूरे गाँव में जो गिनवारे पूरे गाँव में ऐसे विकास कार्य हुए आपके राज में? बिल्कुल, 62 के 62 गाँव में मैं 90% गारंटी दे सकता हूँ, किसी समाज की कोई चौपाल पुरानी नहीं मिलेगी, या तो वेंकट हाल होंगे या नई चौपाल पाएगी आपको। सरकार बनाने को लेकर कितने आशा है? हम 100% हमारी सरकार बनेगी, नायब सैंड के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी स्वतंत्रदेव शेरा जो सत्यवान शेरा भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मनाया नहीं आपने? इसके लिए मैंने टिकट मिलते उसको मैंने फोन किया था, लेकिन उनका दबाव बड़ा करूर था, और लेकिन सारी बातें मेरी रिक्वेस्ट को भी सारी बात को छोड़ के जो प्रेस के सामने उसने बयान दिया है
माननीय मनोहर लाल इतने ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता हैं, जब कल उन्होंने उनके ऊपर भी आरोप लगा दिया, मैं तो उसके सामने चीज क्या हूँ, उन्होंने कहा है कि मनोहर लाल और संजय भाटिया की वजह से पूरे प्रदेश में संगठन का बेड़ा गर्क हुआ है, इसलिए मैं उस व्यक्ति से बात नहीं करूँगा। अब दोबारा तो उससे बात नहीं, उससे कोई बात नहीं करूँगा, जिसने मनोहर लाल के ऊपर भी आरोप लगा दिए ऐसे व्यक्ति से मैं कोई बात नहीं करूँगा। और पर्चा भरने जा रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, पर्चा भरने से पहले की तस्वीरें जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं, बताए क्या कहेंगे पवार के बारे में? पवार अब की बार कम से कम 20,000 वोटों से जीतेंगे। अच्छा। बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है, बहुत ज्यादा, और जिस भी गांव में जाते हैं बहुत भारी समर्थन मिलता है पवार साहब को अब की बार। अच्छा। बलबीर वाल्मीकि, बलबीर वाल्मीकि झूठ बोलता है। हाँ। वो कहता है मेरे 4 लड़की, उसके 2 ही लड़की है। अच्छा। बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, कहता है मैंने पैसे नहीं मिले, फिर कहाँ से पैसे देता, वो कहाँ से दुकान ले ली, उसमें आड़त की दुकान ले ली 1.5 करोड़ की। अच्छा। ये भ्रष्टाचार के नाम है, उसकी मिसेज के नाम है, गीता के नाम। अच्छा। ये कागज है, बोलते हैं कागज उसके, किसके ये कागज बोलते हैं, उसकी घरवाली के नाम कागज बोलते हैं। बोलते हैं पत्रकार साहब। ये कृष्णलाल पवार के समर्थक है, तो इसराना विधानसभा का जो है पर्चा भरने जा रहे हैं, लोग आश्वस्त लग रहे हैं जीत को लेकर, देखते हैं इस बार क्या होता है। बलबीर वाल्मीकि यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं और भ्रष्टाचार के आरोप भी जो है खुलेआम जो है यहाँ के लोग लगा रहे हैं, अब देखते हैं ये रण में क्या होगा और कौन सा खिलाड़ी जो है फतेह करेगा। आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, नमस्कार।